टू माई चैनल देसी मोम एडवेंचर डायरी। आज मौसम देखें, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखें चाय तो बहुत मजे की लग रही है, लेकिन हुआ ये कि कुछ काम करते करते चाय ठंडी हो गई, तो अब मैं दोबारा इसको गर्म करती हूँ और चाय पीती हूँ। चाय के बाद अब टाइम है सफाई करने का, तो मैंने अब काम स्टार्ट कर दिया है। एरन को नींद आ रही है, लेकिन क्योंकि जाना है स्विमिंग क्लास पे, तो मैं इसको थोड़ा सा जगा रही हूँ ताकि ये 2 घंटे सोए और फिर 3 बजे ये फ्रेश उठे। सो आज काफ़ी काम कर लिए मैंने। एरन के एरन का जो बिस्तर है जो हम नीचे डालते हैं कि वो खेले, उसको मैंने बाहर टांगा है हवा में थोड़ी देर, कि वो उसको हवा लगे, धूप लगे। और आज मैं सोची थी कि एरन के जितने टॉयज हैं उनको मैं धो दूंगी। तो यहाँ पे आती हैं एक स्टेरिलाइजिंग टैबलेट्स, जो बच्चों के फीडर्स और ये जो टीदर्स होते हैं इनको स्टेरिलाइज करें, तो मैं आज वो यूज़ करूँगी फर्स्ट टाइम, तो उसमें मैं इसके सारे टॉयज स्टेरिलाइज कर लूँगी। सो अब मैं जा रही हूँ एरन को सुलाने, क्योंकि उसका टाइम हो गया है, वो काफ़ी थक गया, उसको भूख भी लग रही है। एरन के जो बिस्तर है वो मैं ले आई हूँ, चलिए मैं छाती हूँ उसको। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि आज सैटरडे है और एरन ने जाना है अपनी स्विमिंग क्लास पे। आज मैं उसको अकेले ले जाऊंगी क्योंकि डेविड काम पे हैं। तो 2:30 बज रहे हैं, एरन सो रहा है, मैंने उसको टाइम से सुला दिया ताकि वो अभी फ्रेश उठे, नहीं तो वो थक जाता है तो फिर वो इतना एंजॉय नहीं करता। तो वो सो रहा है और मैं उसका बैग पैक करने लगी हूँ, साथ ही मेरा पैकेट भी आ गया है, इसको भी अनपैक करते हैं। अच्छा जी, तो कुछ चीज़ें मैं निकाल ली, इसकी ज़रूरत नहीं है। ब्लैंकेट रख लूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो ये रखेंगे। चेंजिंग वाला उसका बैग है, एक और ब्लैंकेट रख लेते हैं। ये जो है ये हमारी चर्च की एक फीमेल थी, उन्होंने एरन के लिए बनाया था, तो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और ये उसका नैपी टैबलेट। काफ़ी चीज़ें हो गई हैं बैग में एरन को ये, और आज ये वाले कपड़े पहनाने हैं निकर के साथ, ये उसकी निकर है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे सजेशन आ रही थी कि मेरी आवाज़ नहीं आती, तो मैंने माइक मंगवाया है, तो चलें इसको ट्राई करती हूँ, इसको खोलते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं मंगवा रही थी क्योंकि मुझे था कि आइडिया नहीं है कैसा माइक आएगा। सो मैं चाह रही थी ऐसा कुछ लूँ जो देख के चेक करके, तो मैं अमेजोन से ऑर्डर नहीं करना चाहती, लेकिन और कुछ मिल नहीं रहा था। और खैर से ये गलत चीज ऑर्डर हो गई है, खोल के देखते हैं। लिखा तो डिजिटल थर्मामीटर है और ये डिजिटल थर्मामीटर आया। मैं अभी अमेजोन पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजती हूँ, गलत पार्सल भेज दिया उन्होंने।
पिछले दिन से मैं वेट कर रही थी इसका और इन्होंने गलत आइटम भेज दिया। सो मैं और एरन तैयार हैं। प्लान तो मेरा ये था कि वहाँ जाके मैं चेंज करूँ, लेकिन क्योंकि हमें ऊबर नहीं मिल रही थी थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने सोचा कि बेटर है कि यहीं से चेंज करके जाऊँ ताकि वहाँ बस हम रेडी हों। सो थोड़ी देर में मिलते हैं। काफ़ी सो गाइस स्विमिंग हो गई, काफ़ी अच्छी थी। चेंजिंग रूम में बैठी हूँ और बस ऊबर का वेट करूँ, जैसे आती है तो हम चलते हैं। घर आ गए हम और एरन को देखे नींद आ रही है, तो मैं इसको सुलाती हूँ। साथ ही मैंने कुछ खाना था, मैंने अभी तक लंच नहीं किया था तो कुछ है भी नहीं बनाने को, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऑर्डर कर लूँ। तो देखती हूँ क्या ऑर्डर करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने मंगवाया है बटर चिकन, आ गया है। इसके बारे में सुना मैंने बहुत था बटर चिकन के बारे में, लेकिन कभी खाया नहीं था, तो ये देखें। साथ मैंने राइस बॉयल किए हैं, अभी खाती हूँ फिर देखती हूँ। अच्छा जी, वापस आके खाना खाया। बटर चिकन बहुत यम्मी था, बहुत मज़ा आया। और अब कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो बस उनका वेट कर रहे हैं। डेविड भी आ गए काम से। खाना दूँ आपको? नहीं, मैं उनके साथ ही खाओगे? हाँ, वो ना जो चीज़ें लेके आना वो लग खा लो। अच्छा जी, मैं निकाल लेती हूँ। किस टाइम तक आएंगे? आ जाएंगे, कभी भी आएंगे। आते साथ ही चाय रखो कि हाँ। तुम चाय पीने आए हो ना, चाय पियो। हाँ जी मम्मी आशा। अच्छा जी, कल आए हो आप? ठीक है, जो मैंने कहा ना जैसे वैसे ही करना। अर्ज किया हुकुम तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय कैसे बनानी है? चूल्हे वाली बना दो। ठीक है। सो गाइस, गेस्ट जो आए थे वो चले गए। डेविड के वो फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, और बहुत मज़ा आया, अच्छा रहा। बहुत मज़े का केक लाए, गिफ्ट्स लाए, फूल लाए। केक और फ्लावर्स जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और गिफ्ट्स जो है वो मैं कल आपको डिटेल से दिखाऊंगी। ये देखें कितना प्यारा केक है। ये आया है केक बॉक्स है, यूके की वन ऑफ द बेस्ट बेकरी है केक बॉक्स, जहाँ का ये केक है। और मतलब वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इतना प्यारा केक लग रहा है, दिल ही नहीं कर रहा करने का। और इस पर राइटिंग इतनी अच्छी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्योंकि एरन के पैदा होने के बाद आए तो इसलिए केक लेके आए थे। केक काटती हूँ अपने लिए और डेविड के लिए लेके जाती हूँ। देखिए ये फ्लावर्स आए हैं, और आपको तो पता है मुझे फ्लावर्स कितने पसंद है। सो बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, और गिफ्ट्स जो हैं जो सारे आए हैं वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए